नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं पूछने आया हूं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे एक बेहद ही गंभीर सवाल। कैसा लगेगा आपको जब आपको पता हो कि आपने जो रोटी खाई है उसको जिसने बनाया है उसने उस आटे में थूक दिया हो? कैसा लगेगा आपको उस वक्त जब आपको पता हो कि आपके यहाँ सालों से जो कुक आ रही है वो आपको जो खाना खिला रही हो उसमें अपना यूरिन मिलाती हो? या फिर कैसा लगेगा आपको जब आप जूस की दुकान में जूस पीने जाएं और अगले दिन पता चले कि आपने जहाँ से जूस पिया वहाँ पे यूरिन की एक बॉटल मिली है? ये बेहद ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं और सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों करते हैं ऐसा लोग, आखिर इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, क्या मजबूरी है, क्या बीमारी है, क्या वो माहौल है, क्या वो सामाजिक वर्गीकरण है जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ रहा है? आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इसी की जड़ें टटोलेंगे हम, इसी के कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लोगों से, एक्सपर्ट से, कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसको रोका कैसे जा सकता है, क्या आपके पास कोई रास्ता है, कोई ऐसा साइन है ऐसे लोगों का जो ऐसे लोगों को आप पहचान सकें। अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम यही टटोलने की कोशिश करेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल रिपोर्ट रखेंगे। आप रहिए हमारे साथ। ऐसे लोग हैं जिनका कोई वो नहीं है, ईमान धर्म नहीं है, अगर ऐसे लोग हैं तो फिर बहुत ही शर्मनाक है। वो कट्टरपंथी होता इंसान नहीं होता है, वो इंसान के नाम पर कलंक होता है। उनके खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए जिससे ये चीज दोबारा रिपीट ना हो। ज्यादातर जो भी हैं मुस्लिम से आ रहे हैं, मगर वो जो गाजियाबाद का है वो हिंदू है। एक धर्म विशेष के द्वारा हिंदुओं को अपवित्र करने का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमान कर रहा है, ये हिंदू भी कर रहा है। देखिए, वैसे मैं आपका दिल ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन बात कुछ ऐसी है, आजकल वीडियोस वायरल होते हैं, लोग खाना बनाते समय किसी लड़के का वीडियो वायरल हो जाता है वो थूक रहा रोटी बनाते समय, या कोई जूस वाले का वीडियो वायरल होता है उसके यहाँ पेशाब की बॉटल मिली। तो आप लोगों ने जब ये वीडियो देखे हैं, ऐसे देखे हैं, क्या ऐसा मन में आता है उस वक्त जब आपने वीडियो देखे? ये कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, अब उस मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते, तो अब इन लोगों को तो भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमारी सरकार को या किसी को कि ऐसे लोगों को बंद करा जाए। कुछ लोग इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी जोड़ देते हैं। है तो है उसमें, क्या हिंदू मुसलमान तो है ही, हिंदू तो नहीं कर रहा, मुसलमान ही कर रहे जो कर रहे हैं। हिंदुओं के भी वीडियो आए वो भी कर सकते, उसमें भी गलत है, तो वो भी अगर है तो वो भी गलत है। हम कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। ज़्यादातर जो भी हैं मुस्लिम से आ रहे हैं, मगर वो जो गाजियाबाद का है वो हिंदू है। वो ये क्यों करी थी? वो बहुत टॉक्सिक चीज़ थी, ऐसे कोई भी ये ट्रस्ट छूट जाता है इस चीज़ से कि ऐसे मेड्स रखेंगे या फिर कोई किसी का बाहर जाके भी खाना खाएगा तो इट विल क्रिएट अ इशू फॉर देम। ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जिस का हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ ये यही दर्शाता है कि लोगों की सब मानसिकता जो है बहुत गिर चुकी है। कभी मन में आता है कि कभी कहीं जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं वो कैसा खाना खिला रहे हूँ? हाँ आता है, क्यों नहीं आएगा, हर किसी के मन में आता है कि हम सेफ हैं या नहीं है, क्या मिला रहा है कोई, हमें कैसे पता चलेगा? इससे यही पता चलता है कि एक तो लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत हेट्रेड वाली हो गई है, और जो ये कर रहे हैं उनकी भी मानसिकता यही दर्शाती है कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तुम भी करो। सवाल ये है कि ये विजुअल्स तो आ गए, ये लोग गलत कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आखिर इनकी जो साइकोलॉजी है, इनका जो मनोविज्ञान है वो क्या है इसके पीछे करने का, वो ऐसा करते क्यों हैं, वो जानबूझकर करते हैं, वो बीमार हैं, इसके पीछे उनकी आपराधिक मानसिकता है, करते क्यों हैं, इसका कारण क्या है? अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोरा हैं, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे उनकी दिमागी अवस्था कैसी होती है। डॉक्टर वोरा, पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सर, आपने भी विजुअल ज़रूर देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, और वो बड़े हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, बड़ा मन खिन्न सा हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कोई किसी को कैसे थूक में सनी हुई रोटी खिला सकता है, कोई कैसे आटों से पैरों से आटा गूंथ सकता है या फिर अपना यूरिन खाने में मिला सकता है। तो सर, ये आपको देख के दिमाग में क्या आता है जब आप ये देखते हैं? देखिए, ये दर्शाता है विकृत मानसिकता कि जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है डेफिनेटली वो नॉर्मल से हटकर कर रहा है,
अब जब कारणों की बात आती है तो कुछ लोग इसमें हम ये बोलेंगे कि अंदर से बहुत ज़्यादा घृणा होती है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो खाना बन रहा है, अंदर से वो किसी तरीके का बदला लेना चाहते हैं, अंदर से कोई रंजिश है। तो एक ये वो कैटेगरी है जो कि अदरवाइज नॉर्मल होते हैं, बट अपने अंदर जो भी उनके अंदर का एक तरह से खुंदक है किसी पर, या एक उनको लगता है कि वो अदरवाइज हेल्पलेस है, तो अपना गुस्सा कैसे निकालें, एक तो वो कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी में आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं उनको किसी तरह का गिल्ट नहीं होता क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज़ होती नहीं है। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें सचमुच में मानसिक रूप से आपको प्रॉब्लम होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिसका ये पार्ट हो सकता है। बट अगर आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में सिर्फ खाने में कर रहे हैं और अदरवाइज नॉर्मल है, तो डेफिनेटली ये आपके अंदर की जो घृणा है उस व्यक्ति के लिए या अंदर से कोई रंजिश है या कोई बदला लेना चाहते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में देखें जो लोग समझ पाए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन जब होता है, क्रॉनिकली आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो आपका माइंड सेट उस पर उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बहुत दुखी हूँ, किसी चीज़ बहुत दुखी हूँ लगातार सालों से दुखी हूँ, या मेरे मन की बात कुछ नहीं हो रही है और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मुझे ठीक लगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर ये करूँगा तो इससे इसका नुकसान होगा तो मुझे मज़ा आएगा, कि वो व्यक्ति जो जिसको लगता है कि मैं वैसे तो दूसरे साइड का बदला नहीं ले सकता हूँ, उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बट अंदर से बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट है। या कई बार हम देखते हैं जैसे अपने मेट की बात की कि आप कुछ सर्वेंट्स पर गुस्सा करते हैं या आप उनको ह्यूमिलेट करते हैं, कई बार ऐसे होता है कुछ केसेस में हम देखते हैं कि आप पे नहीं देते हैं या आप उनको किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर करते हैं, तो वो एक कैटेगरी है जो कि अदरवाइज आपके आगे रिटेलिएट नहीं कर सकती, या उसके ऊपर ये उसके ऊपर लोड है कि उसको घर पे पैसे भेजने हैं तो वो जॉब नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, तो उसको फिर लगता है कि क्या तरीका है जिससे मैं अपना एक बदला लूं। यदि आप लव एंड रिस्पेक्ट किसी को देते हैं, भले गरीब आदमी भी हो, मतलब किसी को सम्मान और प्यार दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, आई हैव सम वर्थ। हम लोग कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सबकी एक आइडेंटिटी होती है और सबको लगता है कि मेरा वैल्यू है, वो भले मैकेनिक हो, चाहे कारीगर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। तो वैल्यू बेस्ड जब लाइफ होता है ना तो आपका मूव करता है जिंदगी आगे। ये पुलिस ने अरेस्ट किए हैं लोग ऐसे, ये अरेस्ट होने वाले लोग क्या किसी के लिए काम करते थे किसी के बिहाफ पे, क्या ये पेड वर्कर्स थे किसी के, या किसी ने इनको ऐसा करने के लिए उकसाया था, इसका जवाब पुलिस ने आज तक दिया नहीं है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को इसकी भी तहकीक करनी चाहिए कि जो आदमी अरेस्ट किया हुआ है इस नाम पर, क्या वो मोटिवेटेड था या उसका ये कोई सेल्फ एक मोटिवेशन था। ऐसा करके उनको क्या मिल जाता है, उनको क्या मिलता है? जब आप बहुत दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और तो आपको कुछ चाहिए प्लेजर, जिसको बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन हम लोग, तो जब वो ऐसा करते हैं उनको लगता है चलो कुछ तो इसका नुकसान हुआ, कुछ तो इसका सफ़र करना पड़ा। और ऐसा तभी होता है जब इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है। क्या इस मामले में धर्म का एंगल भी है? क्या इस मामले में दूसरे धर्म से नफरत करना भी एक कारण हो सकता है? क्या किसी के दिमाग में धर्म के नाम पर जहर बोया गया हो इसलिए भी वो ऐसा कर सकता है? आइए सुनते हैं इस बारे में जो धर्म को जानने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक धर्म की बात आती है तो कोई फैनेटिक है या कोई भी ऐसा है या कोई गुमराह कर दिया गया है तो वो भी हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो वो, आप दूसरे रिलीजन को काउंटर करने के लिए आपने अपना एक, किसी ने आपको बताया, किसी से आपने सुना, किसी को आपने देखा, तो आपको लगता है कि ये एक तरीका है मुझे बदला लेने का या बराबरी करने का या उसको दूसरे साइड को नीचे दिखाने का, तो हो सकता है ये आपकी मानसिकता पर, आपके थॉट प्रोसेस पर, आपकी परसेप्शन पर, आपकी सोसाइटी में किस तरह की आप अपने आप को एक पोजीशन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप देखेंगे मुस्लिम को, तो जब वो दुआ करते हैं तो फूंकते हैं, थूकते नहीं है, फूंकते हैं। अब उस फूंक को आप थूक समझ ले तो बड़ा कहना मुश्किल है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मेरा पूछने का मतलब है कि क्या लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से और ऐसा करने लगते हैं, जो उनको सिखा दिया जाए कि वो इस धर्म के लोग खराब हैं, हिंदू खराब है या मुस्लिम खराब है। इन्वायरमेंट में जो भी होता है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका वैसे ही होता है। जो आप इसको फीड करेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ स्टमक, जैसे पेट है, जो आपको उसको फीड करेंगे जैसा खाना, बॉडी वैसे बनेगा। तो ब्रेन का वैसे ही है, जो आप फीड करेंगे अपने सेंसेस को, अपने आँख को, कान को, अपने स्मेलिंग पावर, नाक को, स्किन को,
तो आपका थॉट वैसे चेंज होगा। देखिए, बहुत पहली चीज़ ये है कि कोई भी इंसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी को थूक के या पेशाब मिला के देना नहीं चाहेगा, जो नॉर्मल है। अब उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो किसी से, उसकी अपनी कोई एनमिटी है, तो उसमें कोई ऐसा कर रहा हो तो अलग है, लेकिन ये हिंदू भी नहीं करेगा, मुसलमान भी नहीं करेगा। और जो ऐसा कर रहा है वो ना ट्रू मुस्लिम है ना वो ट्रू हिंदू है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत सारी वीडियो देखी है और वीडियो में हमने देखा है कि एक धर्म विशेष के लोग ही पाए गए। एक घटना हम लोगों ने देखी अभी, कोई महिला के द्वारा यूरिन पास कर कर उसको भोजन में मिलाकर डाला गया। लेकिन वो महिला तो हिंदू थी और खाने वो जिसके आप खाना बना रही थी वो भी हिंदू थे। मैं इस दोनों को थोड़ा अलग करने का प्रयास करता हूँ। हाँ। कि जो महिला के द्वारा किया गया है वो घृणित कार्यक्रम है, उसकी एक मानसिकता हो सकती है, उस पर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि एक एक केस निकल कर आया कि हिंदू महिला और हिंदू परिवार में। लेकिन जब एक धर्म एंगल को देखते कि मुसलमानों के द्वारा थूक डालकर उनके भोजन को अपवित्र करना, तो समझ में आता है कि एक धर्म विशेष के द्वारा धर्म विशेष के लोगों के साथ एक किस प्रकार से घृणित कार्य कर उसके धर्म को अपमानित करने का काम, अपवित्र करने का काम जो किया जाता है। तो मुझको लगता है कि मुसलमानों के एंगल में तो यही बोलूंगा कि उनका धर्म आज्ञा देता है। अब यहाँ पर एक कौम है भारतीयता की, लेकिन कुछ लोग इस एक कौम को दो समाजों में बांट देना चाहते और ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज एक दूसरे से इतनी नफरत करे और इतनी घिन आए उसे कि वो एक दूसरे से कुछ भी इंटरेक्ट ना करें, वो एक दूसरे के मोहल्लों में न रहें, वो एक दूसरे के साथ कारोबार न करें, वो एक दूसरे के साथ सामाजिक व्यवहार न करें, इनकी कॉलोनियाँ अलग बस जाएं, उनकी कॉलोनियाँ अलग बस जाएं, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं और उसके लिए इस कृत्य को, इस काम को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बोलूंगा कि एक धर्म विशेष के द्वारा हिंदुओं को अपवित्र करने का काम किया जाता है। लेकिन इसको आप धर्म के चश्मे से देखना पसंद करेंगे या एक आपराधिक कानून के चश्मे से? अपराध ही तो है एक धर्म विशेष के द्वारा धर्म का अपमान करना। तो इसमें धर्म क्यों लाते हैं हम बीच में? धर्म इसलिए लाते हैं क्योंकि करने वाला तो मुसलमान है, मुसलमान धर्म है। अब हम मैं बोलूं हिंदू भी हैं करने वाले, हिंदू जो कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, ये एक उपवाद है, एक घटना हो सकती है, एक उपवाद हो सकता है। क्या बड़े पैमाने पर ऐसी चीजें हमको देखने में नहीं मिली कि एक मानसिकता होगी महिला किसी चीज़ से पीड़ित? हाँ, ये हो सकता है कि उस महिला के उस लोगों से कोई अनबन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो, उसकी ना बनती हो, कोई बदला लेने की उसके अंदर बात हो, उसकी मानसिकता बीमार हो सकती है। लेकिन मुसलमानों के संदर्भ में सारे बीमार नहीं हो सकते, सारे कोई ऐसे नहीं हो सकते कि बड़े ईमानदार हैं। मुसलमानों ने बड़ी संख्या में किया, हमने टिबेट में डिबेट्स किए हैं बड़ी संख्या में कि कोई रोटी बना रहा है थूक डाल दिया, कोई नान बना रहा है तो थूक डाल दिया, चाय बना रहा है तो थूक डाल दिया, फॉलो पर थूक डाल दिया। ये इस टाइप की जितनी भी वीडियो हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की हैं, हिंदुओं की भी बहुत सारी वीडियो हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो ये सिखाता है, इस्लाम में कहा गया कि सफाई पाकी आधा ईमान है। तो जो आदमी सफाई और पाकी को मानता है या इस्लाम को मानता है वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। समझ रहे ना आप बात? जो लोग कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्मगुरुओं से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों में शिया सुन्नी में भी आपस में लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे का झूठा नहीं खाते या वो थूकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या सर? ऐसा कुछ है कि देखिए ये प्रोपेगेंडा है। हाँ। ये एक हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ। मैं सुन्नी धर्म, सुन्नी सेक्ट में पैदा हुआ हूँ, दो आई डू नॉट बिलीव इन सुन्नी शिया एंड ऑल दीज थिंग, आई डोंट बिलीव, बट मैं पैदा हुआ हूँ तो मैंने अपने बचपन से सुना कि शिया लोग जो हैं वो थूक के खाना खिलाते हैं। इट्स रॉन्ग, ये बिल्कुल एक, चूंकि दो अलग अलग सेक्ट हैं इसलिए एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सुन्नी भी शियों को कुछ ना कुछ कहते हैं, सुन्नी शिया भी सुन्नियों को कुछ ना कुछ कहते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते हैं, बट ऑल दिस इज नथिंग बट अ प्रोपेगेंडा। खाने में मिलावट करना अपने आप में कानूनन अपराध है और उसको कहीं भी आप करेंगे आपको जुर्म आपका साबित होगा तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये तो एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों की पहचान की जा सकती है? कोई तरीका है कि ऐसे लोगों को पहचाने हम और इनको ऐसा करने से रोके? आइए सुनते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों की पहचान भी हो सकती है क्या? हम पहचान सकते हैं कि कोई इस तरह का मानसिक तौर पर बीमार है या मानसिक विकृत है और हम इस तरह की घटनाओं को होने से पहले रोक सकते हैं? कोई साइंस होते हैं इस जी? देखिए, कुछ केसेस में तो क्लियर कट साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। जैसे आपको लगता है जो व्यक्ति है, मान लीजिए आपने घर पर कोई नौकर रखा या नौकरानी रखी, आपको लगता है वो
नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही या कर रहा, या बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है बिना बात के, अपने आप से बातें कर रहा है, नहाने धोने का ख्याल नहीं रख रहा, तो इस तरह के लोगों को आप अपने डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए मत यूज़ करिए। बेटर है कि उसका मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन किसी मेंटल प्रोफेशनल से करा के पहले चेक करें कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वैसे भी ठीक नहीं है उससे काम लेना। बट इस तरह के लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, उनमें से एक सिम्टम होता है जिसमें वो स्पिटिंग करते हैं, मतलब थूकते हैं, तो बीमारी का एक लक्षण होता है। बट उसमें वो व्यक्ति अदरवाइज फिर वो नॉर्मल नहीं होगा, वो हर जगह कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी करेगा। तो एक तो ये कैटेगरी है। दूसरा, आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, या आपको लगता है उसके बिहेवियर में कुछ अजीब या डिफरेंस है किसी भी तरीके का, वो कैटेगरी हो सकती है। या तीसरा है, जब आप किसी को रंगे हाथ पकड़ते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो आपके साथ आगे रहने लायक नहीं है। इसको बीमारी का रूप नहीं दे सकते हैं। अगर हम बीमारी की बात करें तो बीमारी का मतलब होता है मेडिकली सर्टिफाइड जी, तो मेडिकली सर्टिफाइड बीमारी नहीं होती है ये, तो इसलिए पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर आपकी आंखें बहुत ट्रेंड है या आपका परसेप्शन पावर बहुत स्ट्रांग है, देन यू कैन रिकॉग्नाइज इन सम वे, लाइक इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है, लोग एवेजिव होते हैं, आईज से कांटेक्ट नहीं होता है, बट ये बहुत ब्रॉड है, पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता। जिस वक्त वीडियो बनाई गई, अब वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, उसके पीछे की वजह तो किसी ने नहीं जानी। एक वीडियो ले लिया और उस वीडियो को आगे बढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी होता है उसके पीछे की वजह अच्छी होती है, लेकिन वीडियो में गलत। थूकने के पीछे कौन सी वजह हो सकती है अच्छी? थूक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं थूकने की बात कर रहा हूँ। ली जाती है, उसके पीछे बात कुछ और होती। आप लोग तो असल में वायरल करते हो ना, पूरी एक घंटे आप सारा ठीकरा मीडिया पे ही फोड़ रहे हैं। मेरे साथ होता है ना ऐसा, असल में एक घंटे की वीडियो उसको नहीं चलाओगे। बीच में साजिद रशीदी ने ये कह दिया, बस बात खत्म। मुद्दा साजिद रशीदी नहीं है, मुद्दा ये है कि जो लोग थूक रहे हैं खाने में, उनकी मानसिकता सही है या नहीं है। मैं ये कहता हूँ सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। या तो अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो बोलें कि मैं तुम्हें पेशाब पिला रहा हूँ, मैं तुम्हारे मुंह पे थूक रहा हूँ, मैं तुम्हारे खाने में थूक मिला रहा हूँ। अगर ये हिम्मत है तो बोल के करे, और अगर बोल के करने की हिम्मत नहीं है तो आप अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं।